दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन में एक जो गलती सब लोग करते हैं, गलती नहीं बोलूँगा, उस चीज़ को मैं मेंशन करूँगा इस तरीके से कि लोगों को पता ही नहीं है वो चीज़ भी होती है, और उस चीज़ से इतना बड़ा रिस्क हो जाता है कंस्ट्रक्शन में कि आपका घर गिर सकता है, आपके घर में इतने बड़े बड़े क्रैक्स आ सकते हैं कि उनको सही करने का तरीका तक नहीं मिलता है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ टर्माइट अटैक जो रहता है, जो घर पे करता है टर्माइट, उसकी हेल्प वजह से क्या होता है, हमारी फुटिंग बैठ जाती है, बहुत घर की क्या होता है, सेटलमेंट हो जाती है फुटिंग की, और उसकी वजह से घर में क्रैक्स आने लग पड़ते हैं। जब भी आप फुटिंग कर रहे हो, घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ATT का ज़रूर ध्यान रखना, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। तो इसको करना कैसे है, कौन सा केमिकल यूज़ करना है, कौन सा चेकलिस्ट क्या रहती है, देखो जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो सिविल इंजीनियर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो को एक भी बंदा छोड़ना मत, सबके लिए सबके काम की चीज़ें हैं। मैं प्रोसीजर वगैरह आगे बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कौन सा केमिकल कितने रेशियो में आपको डालना है, फिर हम उसकी लास्ट में चेकलिस्ट देखेंगे कि फ्रेशर को चेक कैसे करना होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, IS कोड 4015, IS कोड 6313, IS कोड 8944, ये तीनों आई एस कोड इसमें यूज़ किए गए हैं, उनके द्वारा जो भी वैल्यू है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। लास्ट में मैं आपको रेट बताऊँगा कि पर स्क्वायर फीट में कितना रेट पड़ता है इसको करवाने का। मेनली क्या है ये, पहले एक सुन लेना क्या है, 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर और 7 लीटर पर स्क्वायर मीटर, ये कहाँ कहाँ लगेगा मैं आपको बताता हूँ। सामने आप देख रहे हो होल किए हुए हैं, बीम है हमारा, उसके चारों तरफ देखो होल होल है, ये क्या है, इसमें क्या करना है, जो आपका वर्टिकल जगह होगी, मतलब वर्टिकल क्या करना है, जो भी आपके बीम होंगे या कॉलम होंगे, वर्टिकल एरिया, उसमें क्या करना है आपको 500 mm डेप्थ का होल करना है। किसके कितने सेंटर पे, 150-150 सेंटर पे, आप सामने देख रहे हो 150-150 का सेंटर है, 150-150 सेंटर पे आपको 500 mm डेप्थ का होल करना है, और उसमें आपको कितना डालना है, 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर आपको डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका जो बीम होगा कॉलम होगा उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, 150 के सेंटर से होल कर देने हैं, और रेशियो कितनी बनानी है, मतलब जो आपका ये आएगा, ये क्या होता है 20% उसकी कंसंट्रेशन होती है, तो उसकी कितनी बनानी है, 1:19 की, मतलब 1 लीटर आपको केमिकल डालना है वो वाला, और 19 लीटर पानी डालना है, और उसको 500 डेप्थ करके खड्डा, उसमें 7.5 लीटर आपको डालना है। अभी ये हो गया हमारा बीम और कॉलम का, अभी आती है मतलब फ्लोरिंग वाला एरिया, जहाँ 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 बैक फिलिंग हुई, मतलब जहाँ जहाँ मिट्टी डाली आपने, वहाँ क्या करना है आपको 12 mm का होल करना है, 50-75 mm डेप्थ होनी चाहिए उसकी, और 150 के सेंटर से आपको चारों तरफ कर देने होल, सामने आप देख रहे हो जैसे किया हुआ है, और इसमें भी जो कंसंट्रेशन रहेगी जो केमिकल का, और ये केमिकल जो नाम है इनके, दो नाम, दो टाइप के जो IS कोड का हमें कहता है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा नाम उसका, वो आपको केमिकल अगर आपको ख़रीदना है वो भी हमारी वेबसाइट से आपको अवेलेबल है, तो उसकी भी रेशियो, मतलब क्या करना है, जो आपका केमिकल आएगा, 5 लीटर की बोतल भी आती है, बड़े बड़े ड्रम भी आते हैं, 1 लीटर में आपको 19 लीटर क्या करना है, पानी मिलाना है और उसको डाल देना है। एक तो मतलब अगर मैं नहीं बोलता हूँ कि इसको जैसे पूरा जैसे यहाँ प्रोसेस में बता रहा हूँ वैसे करो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो स्प्रिंकल करना है, आप घर बना रहे हो, थोड़ा बहुत लाके उसको कर दो, जहाँ ज़्यादा एरिया है वहाँ आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ना पड़ेगा, और बाकी आपके क्लाइंट पर डिपेंड होता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपका क्लाइंट आपको ऐसे ही करने को बोलेगा आपका बिलिंग के हिसाब से। सामने आप देख रहे हो क्या किया हुआ है, 150 के सेंटर से आपको 50 mm का हमने होल कर दिया है, और 12 mm उसका डाया है, देखो चारों तरफ पूरे एरिया में, यहाँ क्या ग्रेट स्लैम आने वाली है, तो इसमें हम डालते जा रहे हैं, तो यही मेन रहता है। अगर आपका जो होरिएंटल स्पेस होगा, मतलब जैसे सामने देख रहे हो, इसमें कितना होगा, 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर, ये इसकी रेशियो रहती है, और आपका वर्टिकल, वर्टिकल कौन सा होगा, जैसे बीम और कॉलम में होल किए थे ना, वहाँ 7.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर, ये उसकी रेशियो रहती है डालने की। तो यही था कि मतलब अभी जो भी मेन कहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो हमारा अपना RCC वर्क होता है उसमें क्या करते हैं, बीम कॉलम रहते हैं ना, उधर से 500 mm डेप्थ नीचे करके हम इसको केमिकल को अप्लाई करते थे, इससे टर्माइट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे मैसन वो होता है, ब्रिक वर्क किया होता है, जब फुटिंग में आप देखा होगा गांव में क्या करते हैं, ईंट यूज़ करते हैं, तो उधर आपको क्या करना है, नीचे से ही चालू कर देना है, मतलब उधर आपको पहले ही एक करते जाना है साथ साथ में, और जैसे जैसे आप वर्टिकल ऊपर आते जाओगे वहाँ वहाँ भी आपको प्रोवाइड करते जाओ।
तो गाइस ये था हमारा टॉपिक। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप घर बनाते हो तो ये आपको एंटी टर्माइट करवाना ही करवाना है, और काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं क्रैक्स आने के, सेटलमेंट होने के, अगर नीचे से ये टर्माइट होगा और नीचे से खाते खाते आपके डोर के जो जैम्स रहते हैं उसमें घुस के उसको पूरा ख़त्म कर सकता है। तो कोई भी घर बनाओगे आप तो आपको ये करना ही करना है। देखो प्रोसेस हमें पता चल गया, हमें लिंडेन जो रहता है 20EC या क्लोरोफेरफोस वो हमें यूज़ करना है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो है चेकलिस्ट, जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन जो आते हैं या चेकलिस्ट जो रहती है, 3-4 किस्म की चेकलिस्ट है, वो आपको मैं जब समझाऊंगा उसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन निकलेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे कि केमिकल में आपको चेक क्या करना है सिविल इंजीनियर को, वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो उनको एक बार दिखा लेता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में ज़रूर रेट आपको बताऊँगा कि अगर आपका 1000 स्क्वेयर फीट का घर है, 2000 स्क्वेयर फीट का घर है, तो उसमें टोटल हमें खर्चा कितना आ सकता है ATT करवाने का। सबसे पहले रहेगा हमारा रिपोर्ट नंबर, जैसा रहता है हर एक में डेट होगी किस तारीख को कंक्रीट आया, यूनिट नंबर मतलब कितना आ गया आज के दिन का और कितना आते जा रहा है, वो अकॉर्डिंग सीरियल नंबर टाइप हो गया, रेफरेंस नंबर या डिस्क्रिप्शन हो गया कि कौन से स्ट्रक्चर के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो उसी हिसाब से कंक्रीट आया होगा, यहाँ ड्राइंग में मैंशन किया रहता है। नेक्स्ट है आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो कॉन्ट्रैक्टर नेम, पोर कार्ड, सीरियल नंबर, सब कुछ उसमें आ गया। मेन चीज़ जो क्या है वो देख रहे हो आप एक बॉक्स में जहाँ मेरे पेन है, लिमिट टाइम लिमिट क्या है, 60 मिनट मैक्सिमम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग ऑफ टाइम। मतलब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो उसका मिक्सिंग टाइम हुआ है वहाँ से लेके प्लेसिंग के टाइम में 1 घंटे में आपको वो मटेरियल ख़त्म करना है। ये एज ए सिविल इंजीनियर मेन काम आपका ये रहता है साइड पे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है उसके साथ में, बॉक्स में देखो आप क्या लिखा है, कंक्रीट मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट 30 डिग्री और ये रहता है 30 डिग्री से 35 डिग्री आपका कंक्रीट जब भी आप पोर करो तो इतना होना चाहिए टिपिकल, मतलब मैक्सिमम कितना 35 एक्सेप्टेबल है, उससे बाकी आपका कितना 31-32 ऐसे इतना डिग्री आपका टेम्परेचर रहना चाहिए। ये भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको होता है, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम पोरिंग के टाइम आपको कितना टेम्परेचर होना चाहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया उसमें आइस डालो या उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम करो, या तो प्लानिंग करो कि इवनिंग या मॉर्निंग में आपका कॉन्क्रीट हो। नेक्स्ट है स्लम्प, शैल बी सच दैट प्रोडक्ट कैन बी प्लेयर, मतलब जो आप डालोगे स्लम्प करोगे टेस्ट, पहले तो स्लम्प टेस्ट के मैं वीडियो में डाल चुका हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन में, उसमें आप मिल जाएगा। स्लम्प टेस्ट हो गया आपका वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब 4 लेयर में भरना है, ये भी आपको चेक करना है स्लम्प को, उनका अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें कह रहा है कि आपका जो स्लम्प होना चाहिए वो प्रॉपर आना चाहिए, मतलब अगर देखा जाए तो जो हमारा कंक्रीट RCC वर्क रहता है उसमें 90 से अपना 125 तक एक्सेप्टेबल होता है, जितना उसका स्लंप होगा उतना वर्केबल होगा, अच्छा काम करने लायक होगा। अगर मास कंक्रीट है तो उसमें आपका 50 से 90 तक आपका होना चाहिए। तो ये कह रहा है पोर कार्ड में कह रहा है कि आपको जो चेक करना है तो मटेरियल अच्छा होना चाहिए, उसका सेग्रीगेशन या वो मटेरियल वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट फिर वो आ गया मिक्स डिज़ाइन कौन सा है, कंक्रीट वॉल्यूम कितना है, ये इंस्पेक्शन उसमें रहता है कि आपका जो मिक्स डिज़ाइन मंगाया है आपने, M20 मंगाया, M25 मंगाया, वो आया है कि नहीं आया है, ये चीज़ भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको देखना होता है। बाकी वही फिल करने का सिंपल आ गया, बेसिक आ गया, ट्रक नंबर आ गया, टिकट नंबर कौन से ट्रक पे आया, TM में आया, जो ट्रांसिट मिक्सर होता है जिस पे लाते हैं, मिक्स डिज़ाइन चेक करना है, बैच टाइम चेक करना है, कब आया कब गया, ये सब चीज़ें देखनी होती है ऐसे सिविल इंजीनियर अगर आपका RMC आ रहा है। अगर साइट पर बना रहे हो तो आपको देखना है कि 60 मिनट के अंदर कंज्यूम हो रहा है हमारा कंक्रीट, नहीं हो रहा है, या उसका टेम्परेचर क्या है जब हम पोर कर रहे हैं, ये काफ़ी इफेक्ट करती है स्ट्रेंथ के वे। अगर ये चीज़ें आपको चेक नहीं की आपने तो आपकी जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो कम हो सकती है। तो ये था हमारा, अभी मैं नीचे आपको बता देता हूँ कि मेन चीज़ जो इसमें देखी जाती है वो क्या है, वो है इसका नोट जो इस पोर कार्ड में दिया हुआ है। ये देखो नीचे सामने क्या लिखा है, सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ क्यू टेस्ट रिजल्ट शैल बी मेंटेन। अगर आपका मतलब अलग अलग आ रहा है कंक्रीट, मतलब मास कंक्रीट है, ज़्यादा कंक्रीट है, तो सबका अलग अलग आपको टेस्ट रिपोर्ट बनानी है, क्यू टेस्ट की रिपोर्ट का भी मैं ITP लाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, वन टाइम सेकेंड डोसेज ऑफ एडजस्टमेंट मेरे भी अलग, मतलब कह रहा है कि अगर आपका कंक्रीट डिले हो गया, मतलब 60 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो उसमें क्या करते हैं हम एडमिक्सचर ऐड करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड होगा, मतलब वो मिक्स डिज़ाइन पे वो आपको RMC वालों ने दिया रहेगा, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है उसमें। नेक्स्ट है हमारा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, मतलब इसमें कैसे करते हैं,
और आपको ऐसे सिविल इंजीनियर इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले वही आ गया, रिपोर्ट नंबर, डेट हो गया, यूनिट हो गया, कहाँ आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीज़ें आपको बेसिक हर में ITP में बताते आ रहा हूँ, ये आपको देख लेनी है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है जो चेक करनी है आपको, पहला सबसे पहले क्या है, चेक प्रपोजल फिल मटेरियल हैज़ बीन टेस्टेड अमंग, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो उसमें केमिकल यूज़ कर रहे हो वो, या बटर यूज़ कर रहे हो वो टेस्टेड है कि नहीं है, ये आपको देखना है लैब में, आपकी उधर लैब अवेलेबल है वहाँ आपको चेक करवा लेना है। नेक्स्ट क्या कहता है, वही ड्राइंग नंबर और रिवीजन जो भी है उसका, वो आपको लिख लेनी है पोर कार्ड पे। थर्ड है चेक ग्राउंड लेवल एंड कंडीशन फॉर्म एज स्पेसिफाइड, तो बाकी क्या करना है आपको, मतलब लेवल चेक कर लेने की, उसके बाद आपकी ग्रेड स्लैब या PCC आ रही है तो वो आपको चेक कर लेनी है कि प्रॉपर लेवल आ गया है कि नहीं। उसके बाद आप पहले टर्माइट करो, फिर पता चले कि आपका लेवल नीचे है, उसके बाद मिट्टी डाल दो, उसका कोई वो नहीं है, तो आपको प्रॉपर चेक कर लेना है पहले कि आपका लेवल आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट है हमारा चेक फील्ड कंपैक्शन, मतलब कंपैक्शन अच्छे से हो गई है कि नहीं होगी है, ये चीज़ भी आपको टेस्ट के दौरान चेक करनी होती है। फिफ्थ नंबर है चेक दैट टर्माइट ट्रीटमेंट कैरिड आउट, मतलब ये जो जहाँ का क्लाइंट होगा वहाँ पे, जहाँ आप जो हो मतलब को काम करवा रहा है, तो उसका प्रोसीजर देख लेना है कि वो कैसे चाहता है क्लाइंट आपका काम कैसा होना चाहिए, वो उसके हिसाब से काम आपका होना चाहिए। सिक्स नंबर है मिक्स 1 लीटर ऑफ पैरामिड क्लोरोफ्लोरस 20% EC9, मतलब क्या है, जो आपका केमिकल रहता है ये, और जो आप केमिकल आपको देखना होगा, जो हमारी वेबसाइट पे जाओ, मैंने इस पे ब्लॉग डाला है, उसमें मैंने दिया भी हुआ है, अगर आपको बाय करना है तो आपको वहाँ से बाय कर सकते हो। तो क्या कहता है कि 19 लीटर पानी में 1 लीटर आपको वो केमिकल डालना है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। मेन चीज़ यही है जो एंटी टर्माइट में चेक करनी होती है। तो सातवें नंबर कह रहा है कि जो आपका वो रहता है प्लिंथ बीम रहता है जहाँ आपको करनी है, तो 500 mm डीप होना चाहिए और 150 के सेंटर पे आपको होल कर देने चारों तरफ, जो कॉलम होगा या बीम होगा तो उसमें आपको स्प्रे या पोर कर देना, कितना 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको उसमें पोर कर देना, ये भी आपको देखना है एज ए सिविल इंजीनियर। आठवां नंबर क्या कहता है, अगर आपकी स्लैब है या जो भी वो एरिया है बड़ा ग्राउंड टाइप है, तो उसमें क्या करना है, 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर आपको डिल्यूटेड उसमें डालता जाना है। मतलब क्या, एक जो हमारा 1 लीटर केमिकल होगा, 19 लीटर पानी होगा, उसको किसे 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर आपको डाल देना है, ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। फिर नेक्स्ट है कि चेक एंटी टर्माइट टू स्ट्रक्चर, मतलब अगर कहा है कि स्ट्रक्चर को भी वो करना है एंटी टर्माइट, मतलब कि फाउंडेशन की जो सब स्ट्रक्चर होता है उसमें करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो इसको ATT करने का जो स्टार्टिंग रेट है वो 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। अगर 5 से 6 रुपये आप देते हो तो आपके घर में एक अच्छी ATT देती है, और वो 5 से 10 साल का आपको क्या देते हैं, श्योरिटी देते हैं ATT के अंगेंस्ट, मतलब आपको गारंटी देते हैं कि आपके घर में टर्माइट का कोई अटैक नहीं होगा। टर्माइट का अटैक काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आप पकड़े ले 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा को आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करवा लेते हो तो रिस्क खत्म हो जाता है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे से मिट्टी खाता रहता है टर्माइट, और आपकी सेटलमेंट होती है, थोड़ी बहुत सेटलमेंट ही होगी, उससे क्रैक्स आएंगे, घर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं।